हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1000 डाउनलोड का कितना पैसा मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कितना पैसा मिलता है। तो 1000 डाउनलोड है, 10000 डाउनलोड है या 1 लाख डाउनलोड है, ऐप में कितना वो कमाता होगा भैया, कितना वो अर्निंग करता होगा, या हमको यदि ऐप बनवाना है तो कहाँ से बनवाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर है, वहां से आप एनी प्रकार का ऐप, एनी टाइप्स ऑफ ऐप बनवा सकते हैं। कोई भी प्रकार का एजुकेशन हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, या ड्रीम इलेवन हो, या कोई भी प्रकार का ऐप बनवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर है, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, बहुत सारा हमें जो कॉल आता है, क्योंकि मैंने बहुत सारा अभी तक मैंने वेबसाइट और ऐप बनाया है और बहुत सारा वीडियो भी बनाया है, कॉल आता है भैया 1000 डाउनलोड है तो कितना, मतलब प्ले स्टोर कितना पे करता है। तो आपको आज के इस वीडियो में हम सच्चाई बताने वाले हैं, प्ले स्टोर आपका कोई भी पैसा पे नहीं करता है। प्ले स्टोर आपका पैसा पे नहीं करता है। तो कैसे करता है, कौन करता है भैया, देखिए आपका ऐप का अर्निंग मॉडल क्या है ये समझ लीजिए। यदि आपका ऐप जो है 1000 डाउनलोड है, यदि आपका ऐप 1000 डाउनलोड है, तो आप जो है आप इसमें दो तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। कोई भी ऐप से आप, जैसे ये क्या हुआ, ये एक ऐप है, ऐप से आप दो तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, टू टाइप से आप अर्निंग कर सकते हैं। पहला टाइप आपका है फ्री और दूसरा टाइप है आपका पेड। पहला टाइप आपका है फ्री, आपका पहला तो फ्री आप देके कमा सकते हैं। दूसरा आपका है पेड, आप पेड देके कमा सकते हैं। सपोज दैट यदि कोई 1000 डाउनलोड है तो वो 1 लाख रुपया भी कमाया होगा। सपोज दैट कोई 0 रुपया भी कमाया होगा। सपोज दैट कोई 10000 रुपया भी कमाया होगा। अब देखिए, इसमें पहला आप लोग समझ गए, ऐप जो होता है बनता है यह दो तरीके से कमा सकता है। पहला होता है फ्री चीज देके, दूसरा होता है पेड करके। बहुत सारा ऐप फ्री है लेकिन वो कमाता है, कैसे कमाता है इस वीडियो में जानेंगे। बहुत सारा ऐप पेड है तो वो तो कमाता ही होगा, वो तो आप लोग भी जानते हैं, हम लोग पेमेंट करेंगे उस ऐप को, वो सबके मालिक के पास जाएगा। लेकिन फ्री वाला आप लोग नहीं जानते होंगे। अब देखिए, पेड वाला ऐप का यदि बात की जाए, इसमें आप सब्सक्रिप्शन मॉडल रख सकते हैं। जो कोई भी टेस्ट सीरीज बेच सकते हैं 99 रुपया में, कोई भी चीज को बेच सकते हैं 99 में बेच सकते हैं, 999 बेच सकते हैं, कोई भी अमाउंट में बेच सकते हैं, 1 रुपया में बेच सकते हैं, 2 रुपया में बेच सकते हैं। लेकिन फ्री क्या है, फ्री में आपका एड के थ्रू अर्निंग होता है। क्या के थ्रू, एडी एड के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपका अर्निंग होता है फ्री वाला ऐप में। यदि सपोज दैट 1000 ऐप पे हम लोग लेते हैं, जनरली हम लोग लेते हैं 1000 ऐप पे, यदि आपका 10000 है तो उसको 10 से गुना कर दीजिए, यदि 500 है तो 2 से भागा दे दीजिएगा। तो 1000 ऐप यदि आपका ये है डाउनलोड है, 1000 प्ले स्टोर पे दिखा रहा है डाउनलोड, ये नहीं जो आपका 1000 बंदा डेली खोलता होगा ऐप को। सपोज दैट आप में भी बहुत सारा ऐप होगा, आप कुछ कुछ ऐप को डेली खोलते होंगे, जैसा कि इंस्टाग्राम को डेली खोलते होंगे, आपका वहां पे ट्विटर को डेली खोलते होंगे, बहुत सारा ट्विटर को भी खोलते होंगे, यूट्यूब को खोलते होंगे, फेसबुक को खोलते होंगे, एक्सेट्रा ऐप होगा जो आपका वर्क से रिलेटेड होगा, जो आपका पढ़ाई से रिलेटेड होगा, उसको आप डेली खोलते होंगे। आपका एक्टिव यूजर्स बहुत कुछ, बहुत सारा ऐप ऐसा होगा जिसको आप 10 दिन में खोलते होंगे, 8 दिन में। 1000 डाउनलोड तो हो जाता है, लेकिन इसमें आपका एक्टिव यूजर जो रहता है वो 200 ही रहता है। एक्टिव यूजर भैया कितना रहता है, 200 ही रहता है। मतलब 1000 बंदा डाउनलोड करता है, 200 ही रखता है। जितना ये एक्सपेक्टेड देखा गया है, जितना बंदा डाउनलोड करता है, जितना बंदा डाउनलोड करता है उसका हाफ बंदा अनइंस्टॉल कर देता है। मतलब अनइंस्टॉल करना मतलब डिलीट कर देता है, आपको अनइंस्टॉल कर देता है, अपना मोबाइल से हटा देता है। कितना परसेंट, हाफ परसेंट, 50% बंदा हटा देता है। 500 बंदा तो हटा ही दिया, बच गया आपका 300 और बंदा। वो क्या करता है, वो डेली यूजेज नहीं करता है, 5 दिन पे खोलता है, 3 दिन पे खोलता है, 2 दिन पे खोलता है। लेकिन यह एक एक्सपेक्टेड देखा गया है, जितना आपका ऐप डाउनलोड होगा उसका 10 से लेके 20% तक बंदा, 10 से लेके 20% तक बंदा वो डेली ऐप को ओपन करता है। तो आपका ऐप 200 आदमी डेली खोल रहा है। अब ये भी देखा गया है, आप जो है कोई भी चीज को यदि बेचना चाहते हैं, कोई भी चीज को यदि बेचना चाहते हैं, ये पेड वाला बता रहे हैं आपको पहले, कोई भी चीज को यदि बेचना चाहते हैं तो जितना आपका एक्टिव यूजर्स है इसका आपका 10 to 20% फिर बंदा लेता है। पेड आपका क्या है, 10 to 20% ही बंदा आपका कोर्स खरीदेगा यदि आपका जितना एक्टिव यूजर्स है। एक्टिव यूजर्स वही होगा जिसको कि ऐप में मन लग रहा होगा या जिसके लिए वो ऐप बेनिफिट्स होगा। ठीक है, अब देखिए, 200 बंदा में आपका 40 बंदा ऐसा मिल जाएगा, 30 से 40 बंदा हम लोग मैक्सिमम लेके चलते हैं, 40 बंदा हम लोग को ऐसा मिल जाएगा जो कि मेरा कोर्स को खरीदने के लिए इच्छुक होगा। अब देखिए, 40 बंदा ही यदि मिलता है आपका कोर्स, यदि सपोज दैट 99 रुपया का ही है, आप कितना 4000 रुपया एक्सपेक्टेड कमा लिए।
आप कितना कमा लिए 4000 रुपया कमा लिए। यदि आपका कोर्स ये तो मीना कम से कम अमाउंट बता दिए 199 का है तो आप 8000 रुपया कमा लिए। आप कितना कमा लिए 8000 रुपया कमा लिए। इस टाइप से आप अर्निंग कर सकते हैं पेड वाला में। जिसका 1000 डाउनलोड है वो कितना कमा सकता है 8000 कमा सकता है। जिसका 10000 होगा वो कितना कमा सकता है 80000 कमा सकता है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है काटा और एक एक ऐप जो है करोड़ों रुपया मंथली कमाता है। लेकिन आप लोग को पहले बता दिए हम प्ले स्टोर कोई भी पैसा नहीं देता है। ऐप से आप दो तरीका से कमा सकते हैं, पहला पेड जिसका बारे में जान गए और दूसरा फ्री। फ्री में आप क्या करते हैं बहुत सारा क्या करता है स्टूडेंट वगैरह पढ़ता है वहां पे जाके। किसी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, किसी को मॉक टेस्ट चाहिए, किसी को ये चाहिए लाइव क्लास चाहिए, तो फ्री में बहुत सारा मिल जाता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं उसको भी तो कुछ चाहिए। जैसे आप हमारे वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, किसी को यूट्यूब पे देख रहे हैं, उसको एड के थ्रू अर्निंग होता है, उसको भी तो कुछ चाहिए जिसका ऐप है। तो वो क्या कर सकता है बंदा एड के थ्रू कमाता है, एड के थ्रू अर्निंग करता है। अब देखिए यदि आपका ऐप 1000 डाउनलोड है, फिर वही बात, इसमें भी वही बात, 1000 यदि डाउनलोड है तो आपका 200 क्या होगा एक्टिव यूजर्स होगा, 200 क्या होगा एक्टिव यूजर्स होगा। और ऐप में देखा गया है यदि एड आप अच्छा तरीका से लगाते हैं, जितना एक्टिव यूजर्स है उसका आप कितना से डिवाइड कर दीजिए, कभी काल 4 से भी, कभी काल 5 से भी, लेकिन उतना आप 4 से डिवाइड कर दीजिए उतना आप रुपया कमाइएगा। आपका 200 पर डे एक्टिव यूजर्स है, आपका 4 से डिवाइड करने पर 50 आता है और आपका 50 रुपया आप डेली कमाइएगा। मतलब जिसका ऐप 1000 डाउनलोड है वो एड के थ्रू 1500 रुपया मंथली कमा सकता है। अब जैसे देखिए 1000 है, 1500 कमाए, फिर उसी रुपया को क्या में लगा दीजिए, आप डाउनलोड होने में लगा दीजिए, तो आपको कितना हो जाएगा डाउनलोड, यदि सपोज आपका 10000 डाउनलोड हो जाता है, 10000 मतलब 10K डाउनलोड हो जाता है, ठीक है, तो आप कमाइएगा 15000 रुपया मंथली। तो 10K डाउनलोड करवाना कोई भी भारी बात नहीं है। यदि आपके पास अर्निंग है, यदि आप उसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मतलब प्रमोशन के थ्रू आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, समझ रहे बातों को। तो ये ऐप का अर्निंग का ये क्राइटेरिया बता दिए, 1000 डाउनलोड का आप समझ गए होंगे कितना कितना मिलता है। ऐप से ये समझिए प्ले स्टोर 1 रुपया नहीं देता है, यह एक मिथ है, ठीक है। लेकिन ऐप से आप दो तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, एक पेड के थ्रू एक फ्री के थ्रू। पेड में आप कोई भी कोर्सेज सेलिंग कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल रख सकते हैं, लेकिन फ्री में आप एड के थ्रू कमा सकते हैं। और बहुत सारा अर्निंग करने का जो है तरीका है, लेकिन मेनली यही है, ठीक है, जनरली लोग यही करते हैं। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में। यदि ऐप का रिगार्डिंग कोई भी चीज जानकारी लेना हो, इंक्वायरी लेना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है, वहां से ले सकते हैं।